मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसा कि आपको मालूम होगा कि विज्ञान जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। विज्ञान के वजह से ही आज हम आपके पास पहुंच रहे हैं। विज्ञान के कारण ही आज मोबाइल है, इंटरनेट है, तरह तरह की चीजें आज बना ली गई हैं। मनुष्य ने विज्ञान के कारण इतनी उन्नति कर ली है कि आज हम चांद और दूसरे ग्रहों पर भी जा चुके हैं। और उनके बारे में हम विज्ञान के ही एक टॉपिक पर आपको ले चलते हैं। उससे पहले कि मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊं, आपको एक वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूं। उस वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले एक प्रयोग किया कि एक शीशे की छड़ को लिया और रेशम के कपड़ों पर उसको रगड़ दिया और कागज के टुकड़ों के पास उसको ले गए तो कागज के टुकड़े उस शीशे की छड़ से आकर्षित हो गए, चिपक गए। तो क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण उन वस्तुओं पर एक शक्ति आ जाती है। इसी शक्ति के कारण को हम आवेश कहते हैं। तो आप अब ये जान गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक है आवेश, जिसे चार्ज भी कहते हैं। तो आवेश आखिर होता क्या है? तो जिस शक्ति के कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करे, उसी शक्ति के कारण को आवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। उस प्रभाव या उस कारण को हम आवेश कहते हैं। आवेश आखिर होता क्यों है? आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। और जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाते हैं या उससे रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन चलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एक वस्तु पर धनावेश और दूसरे वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहां से ये पता चला कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो जैसा कि हमने बताया कि आवेश क्या होता है, तो आवेश को मापने का कोई मात्रक भी होना चाहिए, कोई इकाई भी होना चाहिए। तो आवेश को मापने की इकाई है कूलाम। आवेश को मापने की इकाई है कूलाम। और एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम यह कितने के बराबर होता है? 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। तो और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं, उस पर −1.6×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश होता है। तो एक कूलाम 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर −1.6×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश होता है। तो अब हम किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आएगा वह कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता। तो इस तरह किसी भी पदार्थ पर आया हुआ आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश Q हो तो Q बराबर ±NE, जहां पे n क्या है? यहां n बराबर 1, 2, 3 यानी कोई पूर्णांक है और e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो
अब आपने आवेश के बारे में शायद समझ लिया होगा। अब मैं चलता हूं विद्युत धारा। इसको हम करंट कहते हैं। जैसे जैसा कि आपने सुना होगा कि पानी की धारा होती है, जब नदी बहती है तो उसकी धाराएं होती हैं, हवाएं चलती हैं तो विभिन्न प्रकार की धाराएं होती हैं, उस तरह से जब विद्युत बहती है तो उसकी भी धाराएं होती हैं। ये विद्युत धारा होता क्या है, आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी बंद परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी बंद परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा हो गया विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा होती है। तो इससे पता चला कि विद्युत धारा में दिशा भी है। तो अतः भौतिक विज्ञान में राशियां दो तरह की होती हैं, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि है। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आइए इसको समझते हैं। विद्युत धारा एक सदिश भौतिक राशि है इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी बंद परिपथ में क्यू आवेश टी सेकेंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। तो इस तरह से विद्युत धारा आवेश बटे समय होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा।
आइए इसे समझते हैं कि हम किस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं कि धारा I बराबर आवेश बटे समय, तो धारा I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे P का मात्रक। तो Q का मात्रक कूलम्ब होता है और T का मात्रक सेकेंड होता है, कूलम्ब प्रति सेकेंड हुआ, जिसे हम एम्पियर कहते हैं, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। तो आज हमने आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में समझाया है, जिसमें हमने आवेश के बारे में बताया, विद्युत धारा के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।